नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है फेस योगा से रिलेटेड। फेस योगा यानी कि चेहरे, दमकता हुआ चेहरा किसको नहीं पसंद है? अपन सभी को पसंद है, लेकिन उस पे चमक कैसे आएगी? कई बार क्या होता है कि हम शरीर से पूरा फिट होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे इतनी चर्बी होती है कि वो मतलब हमारी उम्र से भी ज़्यादा बड़े दिखते हैं, या हमारी उम्र दिखने लग जाती है, ऐस दिखने लग जाती है। हालांकि मनुष्य जीवन की चार पांच अवस्थाएं निर्धारित की हैं ईश्वर ने, उन सब से हमें होकर गुजरना है। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएँ हमारे आनी है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा फिट रखते हैं या संतुलित आहार लेते हैं, योगा से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो अवस्थाएं तो आएंगी, लेकिन उससे 4-5 साल छोटे दिखेंगे। और इसके साथ साथ हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। यानी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे के वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी एंड मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या होता है कि फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम करना ज़रूरी है। योगा आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट का आपको डेली का प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम का पहला दो अक्षर होते ही हैं प्राणायाम, यानी कि प्राण प्राण होते हैं जो आपको मरी हुई त्वचा में जान डाल देता है और आपके व्यक्तित्व में इतना निखार होता है, आपका चेहरा चमक उठता है। आप क्या करते हैं, अपन महिलाएं और पुरुष अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए सैलून में या पार्लर में जाते हैं। आपको वहां जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से फिट रखते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व में इतना निखार आ जाता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करता है, और वो व्यक्तित्व में निखार आया हुआ आपके ब्यूटी पार्लर में जो जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है और वो हमेशा रहता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो नंबर 1 है, अपना फेस का एक्सप्रेशन होता है। किसी का हंसने का होता है, किसी का बोलने का होता है, कोई बोलता है तो उसके फोरहेड ऊपर चढ़ता है तो यहाँ लाइनिंग हो जाती है, कोई हंसता है या इस तरीके से बात करता है तो यहाँ पे लाइनिंग हो जाती है, किसी के आँखों के नीचे रिंकल्स हो जाते हैं। तो आप आधे घंटे का डेली एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे ये वाले, तो आपसे क्या होता, आपका क्या होता है, ये रिंकल्स वगैरह ये लाइट होती जाएंगी और चेहरे में कसावट आएगी। जो साइड का आपका फेट होता है, यहाँ पे या कहीं पे भी होता है, तो वो चर्बी कम हो जाती है। और ऐसा फैक्ट है, ऐसा मेरा खुद का आजमाया हुआ है, जो फैक्ट है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको नाक से सांस लेंगे और मुंह से गोल बना के ऊँख ऊँख की साइज बना कर ऐसे, और उससे सांस को निकालना, आपको गालों को फुलाना है। सांस अंदर ली, बाहर निकालेंगे। ये वाला एरिया होता है, इसमें खिंचाव आता है, जो आपकी स्किन लूज होके नीचे की तरफ आ जाती है उसमें खिंचाव आएगा। धीरे धीरे आप रेगुलर करेंगे तो उसमें चर्बी होगी वो कम होगी। ऐसे आपको 10 से 15 बार करने। फिर अपने क्या होती है, लाफिंग लाइन हो जाती है यहाँ पे, या एज के अनुसार हमारे लाइन तो होती है, धीरे धीरे ये वाली चर्बी बढ़ती तो यहाँ लाइन हो जाती है, तो इसको हम कम कैसे करेंगे? तो आपको साइड में ऐसे यहाँ से एक बार गाल को हवा दे के फुलाना है, फिर दूसरी साइड यहाँ फुलाना है।
नंबर तीन एक्सरसाइज, जो अपने यहाँ से लूज हो जाता है तो उसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हवा भरेंगे अपन। मैंने ये तीसरी एक्सरसाइज बताई है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज मैंने बताई है, टेक्निक बताई है, आपको टाइम ड्यूरेशन इसका जो है वो थोड़ा लंबा रखना है। जैसे मैं साइड में हवा दे के गाल वाले करती हूँ तो मैंने 5 बार या 4 बार बताए, तो आपको 10 से 15 बार करने हैं, यानी कि आपको अपने फेस की एक्सरसाइज के लिए कम से कम आधा घंटा देना है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले कभी भी कर सकते हैं। फिर आ ऊ की आवाज़ करेंगे, यानी कि स्माइलिंग फेस बनाना है, ऊ का फेस बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि साइड में ही फेस को लेना है, एक एक हाथ से इस इधर से इधर वाले गाल को आपको इस तरीके से थोड़ा हल्का सा खींचना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में फिर जैसे ये स्किन होता है या ऊपर धीरे धीरे अपनी उम्र बढ़ती है तो नीचे की तरफ लटकने लग जाती है, तो इसको हमें यहाँ से एक तो रिंकल्स आ जाती है, एक स्किन थोड़ी सी यहाँ से चर्बी बढ़ के यूँ इकट्ठी होने लग जाती है, तो इसको यूँ करके तो जीभ को एक तरफ बाहर निकाले और इस तरफ लेके जाना है, थोड़ा सा हाथ का यूँ सहारा दे के स्किन को इस तरफ खींचना है। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। फिर आपको आँखों को ऐसे आँख दबाना है भौहों को, जिससे आपका क्या होता है मसल्स और रिलैक्सेशन मिलता है, एक तरह की मसाज होती है, पंचिंग करनी है इस तरीके से स्किन को। यहाँ से और ये जो स्किन होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, आँखों की तरफ से रिंकल्स पड़ जाती हैं, तो अपन क्या करेंगे, फोरहेड को और आँखों को ऊपर की तरफ यूँ ले जाएंगे, फिर लाएंगे तो ये वाला जो एरिया है वो ऊपर की तरफ के साथ में टाइटनेस और खिंचाव आ गया। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करना आपको, आँखों को ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है फोरहेड के साथ। आप महसूस करेंगे यहाँ से आपकी नसें खींच रही है, यहाँ से खींच रही है और साथ में यहाँ से भी खींच रही है।
इसके बाद अपन क्या करेंगे, फोरहेड की इस तरीके से स्किन को ही करेंगे, ताकि अपन एक्सरसाइज करते हैं ऊपर की तरफ करते हैं, तो अब इस तरीके से करेंगे तो किसी प्रकार की कोई लाइनिंग या झुर्रियाँ नहीं पड़े। फिर इसी फोरहेड में अपन यू करेंगे, आप ही महसूस करेंगे ये वाला पोर्शन अपना ऊपर की तरफ खींचेगा, जिससे आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर की स्किन होती है वो लटक जाती है, तो वो सही हो जाएगी। ये करने के बाद में एक आपने फिश पोज बनाना है। फिश पोज आपने देखा होगा ये बच्चे खेल खेल में बनाते हैं इस तरीके से। ये पोज करने के बाद में नेक्स्ट पोज क्या होगा, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं बुर्र करके आवाज़ लगाते हैं, तो वो वाली एक्सरसाइज फेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उससे वाइब्रेशन होता है फेस के अंदर, वाइब्रेशन होता है तो हमारी जो नसें होती हैं वो पूरी खुल जाती है, इसलिए उसको तो आप 5, 2 से 3 मिनट तक तो करना ही करना है। आप इसमें महसूस करेंगे जैसे जैसे आप इसकी तेज आवाज़ करेंगे वैसे वैसे आपके फेस में झुनझुनी मच जाएगी, और ये झुनझुनी आपके फेस के लिए सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज और मसाज है। फिर इसके बाद में अपन थपथपी करेंगे। मैं तो फेशियल के बाद में वो थपथपी करती हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, तो वो थपथपी करती हैं, तो वो क्या होती है, एक तरह से आपके फेस की एक्सरसाइज होती है, तो इसी तरह की अपन डेली करेंगे। इस तरह की आप नाक पे से इस पूरे फेस पे इस तरह से एक्सरसाइज करें। आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आऊँगी। आशा करती हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा मेरा सेशन आपको। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।